अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज़। जैसे कि हम देखते हैं पीरियडिक टेबल में देखते हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो सेम एलिमेंट्स होती हैं जिनकी सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है, उन सब एलिमेंट को हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। क्यों रखते हैं? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर। इसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हो या जिनका केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर हो या जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। और चीज़ जो ये ग्रुप जो होता है उनको हम होमोलॉगस सीरीज़ कहते हैं। और जो होमोलॉगस सीरीज़ होता है ये एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप। हम देखते हैं होमोलॉगस सीरीज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या होता है उनका? सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। इन विच सक्सेसिव कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स होते हैं ये एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप। जो वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होमोलॉगस सीरीज़ में होते हैं, सपोज हम लेते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, इन सब को हम होमोलॉग्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलॉग्यू। इसी तरह हम देखते हैं जो होमोलॉगस सीरीज़ ऑफ अल्केन्स होते हैं, हमने बोला जो सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज़ होते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप। यहाँ पे हम देखेंगे मीथेन हैविंग फार्मूला CH4। इसी तरह हम इथेन लेते हैं जिसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। सो इथेन मीथेन से डिफर करता है बाय दिस CH2 ग्रुप। इसी तरह हम लेते हैं प्रोपेन, ये प्रोपेन इथेन से डिफर करता है बाय CH2 ग्रुप। प्रोपेन, इस तरह हम लेते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन डिफर्स फ्रॉम प्रोपेन बाय दिस CH2 ग्रुप। पेंटेन डिफर्स फ्रॉम ब्यूटेन, या ब्यूटेन लेते हैं डिफर्स फ्रॉम प्रोपेन बाय CH2 ग्रुप। पेंटेन डिफर्स फ्रॉम ब्यूटेन बाय CH2 ग्रुप। एंड हेक्सेन डिफर्स फ्रॉम पेंटेन बाय CH2 ग्रुप। जो ये जो मेंबर्स होते हैं, हमने लिया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, दीज आर मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। All these compounds differ from each other from successive members by CH2 group. इनकी जो general formula होती है, homologous series of alkanes जो होती है, इनकी जो general formula होती है, that is CnH2n+2। हम पे देखते हैं Cn, n represents the number of carbon atoms. हम यहाँ पे लेते हैं, if we take carbon 1, वो C in place of n हम लिखेंगे 1H2 × 1+2। यहाँ पे आएगा फार्मूला CH2CH4, फार्मूला है मीथेन। इसी तरह हम n का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी इंक्रीज होते जाएंगे बाय CH2 ग्रुप। इसी तरह जो हम देखते हैं जो अल्केन्स होते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सिमिलर होती है। और इन्हीं को हम एक ही ग्रुप में खड़ा करते हैं, उसको हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। जैसे हमने देखा है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सब एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप। अब क्या देखते हैं हम, जो होमोलॉगस सीरीज होती है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, और जो एक दूसरे से स्ट्रक्चर होता है और जिनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है, और एक दूसरे से बाय डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप। इस हम सबको हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। कल हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज। थैंक यू।